और अब बात पाकिस्तान की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लगातार फायरिंग कर रहा है। आज जम्मू के आरसपुरा में पाकिस्तान की फायरिंग में 6 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू आरसपुरा सेक्टर पहुंचे। हम इस समय आरसपुरा सेक्टर में है और लगातार यहां भारी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लगातार यहां पर कई भारतीय सीमा चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। एहतियातन हम इस घर की दीवार की आड़ में छुपे हुए हैं। हमें एहतियातन यहां पर लगातार आप फायरिंग सुन रहे हैं, बड़ी जबरदस्त गोलाबारी यहां पर हो रही है और हम यहां से छुप रहे हैं यहां पर, क्योंकि लगातार आप सुन रहे हैं किस तरह से आवाजें यहां पर आ रही है। लगातार यहां पर गोलीबारी हो रही है। सुबह करीब 11:30 बजे से यहां पर गोलीबारी हो रही है, आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यश जी हैं इस इलाके के सरपंच। यश जी, कितने बजे से फायरिंग हो रही है? सर, फायरिंग 11 बजे से शुरू है और हम लोग छुप के अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है और बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल है। अभी आप देख रहे हैं कि आवाजें सुन पा रही हैं। हम यहां से एहतियातन भाग रहे हैं, लगातार हैवी फायरिंग हो रही है और यहां पर फायरिंग हो रही है। यहां पर बड़ी जबरदस्त गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ